Are you okay? Call me. यार आप ठीक हो? Yeah. लग नहीं रहा ना, इसलिए पूछने आ गई आपसे. 15-20 मिनट से देख रहे हो यार, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, मतलब रो रहे हो. क्या हुआ है आपको? मतलब शेयर कर सकते हो यार, एज एन सिस्टर, दोस्त. बहुत परेशान लग रही हो. शेयर करने वाली यार. अरे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना सामने वाले को. अकेले बैठ के रोने से क्या होगा? देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी तो ज़रूरी है ना. सोल्यूशन कर सकते हैं हम. तो आप बताओगे मुझे हुआ क्या है? क्या पता मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ. यार देखो, मतलब मैं यहाँ पर दिल्ली में अकेले रहती हूँ. मैं दिल्ली से नहीं हूँ. यहाँ पर मैं जॉब करती थी. मैं यहाँ पर पीजी में रहती हूँ. ठीक है. मेरी पीजी वाली ना, उसने मेरे पैसे बढ़ा दिए, मेरा रेंट बढ़ा दिया है. और अभी मैं जॉबलेस हूँ. मेरे पास कोई काम नहीं है. और मैं यहाँ पे बहुत कम लोगों को जानती हूँ जिससे मैं हेल्प ले सकूँ. मेरे पास कुछ नहीं है. अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, किससे पैसे लूँ, कैसे अरेंज करूँ. कुछ नहीं पता. वो बोल रही है कि यार छोड़ के चले जाओ, मेरे को पैसे दे दो यार एकदम से. तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक लड़की हो के अगर ऑन द स्पॉट आप खाली करने को बोल रहे हो तो वो कहाँ जाएगी लड़की? वो मैंने उनको, तुमने उससे बोला नहीं? मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अपने घर जाके या अपने घर वालों से बुला लूँ. क्योंकि मेरी फैमिली में भी अभी थोड़े से कुछ इश्यूज चल रहे थे. मैं डायरेक्टली मम्मी को नहीं पता कि मैं मेरी जॉब छूट गई है. तो मैं मम्मी से भी नहीं बोल सकती, घर पे नहीं बोल सकती कि मुझे पैसे दो. क्योंकि अगर मैं घर पे बोल दूँगी मेरी जॉब छूट गई तो मुझे घर वापस बुला लेंगे. तो मैं शायद ही वो मुझे कुछ करने देंगे. तो इसलिए यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. आपका पीजी का रेंट कितना है? या यार प्लीज़ रो मत. आपको पता है ना, रोना ही हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता. हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. आप बताओ एक बार, पीजी का रेंट कितना है आपका? 18,000. 18,000 है. एंड सिक्योरिटी अमाउंट भी बोला है क्या कुछ? हाँ. कितना वो बोल रहे कि 4-5,000 कर दो, बाकी हम देख लेंगे या फिर आप कर देना बाद में. अभी आपको कितने पैसों की नीड है कि आप वहाँ स्टे कर पाओ? एटलीस्ट मैं 5-4,000 दे दूँ ताकि मेरे को कुछ दिन के लिए मैं और रह सकूँ वहाँ पर. अच्छा देखो, मैं आपको नहीं जानती, बट यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि आप ऐसे रो रहे हो यहाँ पे, वो भी पैसों के लिए. मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है कभी कभी. क्योंकि मैं भी तुम्हें फील कर पा रही हूँ. मैं भी रही हूँ पीजी पे. बहुत मैंने भी स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में यार. मैं भी पीजी पे रही हूँ. उन्होंने एकदम सिक्योरिटी अमाउंट बढ़ा दिया. उन्हें सोचना चाहिए. क्या ऐसे कैसे कर सकता है? अच्छा आप एक बार सुनो, आपका नाम क्या है? नाम तो बताओ अपना. दिव्या. प्लीज़ यार, रोने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाती. आप ये ले लो प्लीज़. यार मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता. अरे प्लीज़, मैंने जॉब छोड़ दिया यार. अरे यार रोने से क्या होगा, प्लीज़ डोंट ट्राई यार. चुप हो जाओ. अच्छा अभी आप वहाँ पे स्टे करने के लिए आपको 6,000 रुपीज़ चाहिए ना? यार एक काम करो प्लीज़, अपनी बड़ी बहन समझ के मुझसे पैसे ले लो और दे देना मुझे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पैसे कैसे ले सकते हो? मैं आपको जानती भी नहीं, आप मुझे भी नहीं जानते. मुझे पता है मैं अपने पीजी के पैसे नहीं दे पा रही, तो मैं आपकी कैसे दे पाऊँगी? कोई दिक्कत नहीं है यार, आपके पास हो तो आप दे देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है. आप मेरा नंबर ले लेना, जब आपके पास आए तो दे देना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि मैं तुम्हारी वो चीज़ें फील कर पा रही हूँ. मैं भी पीजी पे रही हूँ, मुझे पता है. मैंने भी वो स्ट्रगल पीरियड देखा है अपनी ज़िंदगी में. कितनी प्रॉब्लम होती है यार. और ऑन द स्पॉट वो खाली करने को कैसे बोल सकते हैं? एक लड़की अकेले कहाँ जाएगी? उन्हें सोचना चाहिए था ना ये. यार मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि आजकल के लोगों को क्या हो गया है. उनके भी खुद के बच्चे हैं, वो खुद भी करते हैं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब वो मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं. यहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं, 2-3 और हैं जिनकी सेम सिचुएशन है, जो पे नहीं कर पा रही. उनको भी अभी वो भी टेंशन में. उन्हीं से बात करी थी मैं, वो भी इतना परेशान है कि अब वो पैसे कहाँ से अरेंज करें. अब खैर उनकी फैमिली तो है यहाँ. बिल्कुल यार, उन्हें समझना चाहिए. हर किसी के बच्चे होते हैं यार, ऐसे नहीं. थोड़ा तो कोऑपरेट करना चाहिए था ना तुम्हें. थोड़ा टाइम दे देते वो लोग, तुम अरेंज कर देती. अच्छा तुम जॉब भी नहीं करो? जॉबलेस हो तुम अभी? ठीक है ऐसे करो प्लीज़, मुझसे पैसे ले लो यार. प्लीज़ सुनो, मना मत करो. तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ मैं. मैं नहीं देख पाई तुम्हें रोते हुए, इसलिए मैं यहाँ आ गई. ठीक है, दुनिया में इंसान बाकी है. तुम मेरे से अभी हेल्प ले लो. अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे देना, मेरे को पेटीएम कर देना. अगर बट यार यहाँ पे अकेले बैठे रोने से कोई फिर नहीं होगा किसी चीज़ का. ठीक है यार सुनो, अच्छा तुम्हारा पीजी का रेंट मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बट यार ये ना 4,500 रुपीज़ है. प्लीज़ तुम ये रख लो.
मना मत करना, रख लो यार, बहुत अच्छा है यार। मतलब इतनी हेल्प कर दी ना, मतलब मेरे ना आधी टेंशन खत्म हो गई है यार। मैं एक लड़की हूँ, मैं वो चीज़ें फील कर सकती हूँ। मेरे साथ भी वो सिचुएशन हुई है कि पीजी पे रहना और रेंट एकदम बढ़ा देना, तो कोऑपरेट करना चाहिए यार। एक लड़की अकेले कहाँ जाएगी, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यार कोई बात नहीं, दुनिया में यार बुरे लोग हैं, नहीं समझते तो अच्छे लोग भी बहुत है ना, उन्हें देख के ही जी लो यार। थैंक यू यार, आपने मुझे हेल्प करी, आप पीजी का रेंट दे देना। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम कमाओगी ना फिर मुझे दे देना, ठीक है। जॉब करोगी ना, अब तो स्माइल करो, जॉब करोगी ना तो मुझे पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं हो तो मत करना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हो बिल्कुल। और प्लीज अकेले बैठ के रोना नहीं है, क्योंकि रोना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। समस्या होती है यार, उसका सोल्यूशन ढूंढो, क्या हुआ। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, ऐसा थोड़ा है कि हम जीना छोड़ दें। अकेले बैठ के रोए यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है, पे कर देना उनके, उन्हें दे देना पैसे और आराम से स्टे करो वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, कोई बात नहीं। और सुनो, जॉब कर लेना, मुझे पैसे लौटा देना मेरे, ठीक है। पक्का यार। बी ब्रेव यार। हाँ तो मैं अभी पैसे वापस नहीं दूंगी आपको, आपके पास हो तो मुझे पेटीएम कर देना, आप मेरा नंबर ले लो। 7011। अब रोक तो नहीं ना, आटो हक कर लेते हैं। अच्छी थी, बाय, ध्यान रखो, घर चले जाओ, बाय। तो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक बेशक मत करना लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ वीडियो हर बंदे के पास जाए। और यार लोगों की हेल्प करो यार, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो जाके उसका सोल्यूशन उसे दे सकते हो, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो ना किसी की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू।